चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर राजकीय रेलवे पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली हावड़ा रेल रूट के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार डीडीयू रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक संदिग्ध युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 25,30,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। गिरफ्तार युवक बरामद पैसों के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका, जिसके बाद जीआरपी ने पूरे मामले की सूचना आयकर विभाग को दे दी। मौके पर पहुंची इनकम टैक्स की टीम गिरफ्तार युवक से बरामद रुपयों के संबंध में पूछताछ कर रही है। जीआरपी के क्षेत्र अधिकारी कुंवर प्रभात ने बताया कि पकड़ा गया युवक उक्त बरामद रुपयों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और न ही नगद बरामद पैसों का कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत कर सका। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी दी गई है। इस मामले में समस्त वैधानिक कार्यवाही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक आलोक कुमार दुबे शिवरामपुर थाना महेश तला 24 परगना दक्षिण वेस्ट बंगाल का निवासी है। वहीं पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि पिताजी के दोस्त का पैसा वाराणसी से वेस्ट बंगाल ले जा रहा था। आज प्रभारी निरीक्षक डीडीयू सुनील कुमार सिंह और उनकी टीम के द्वारा जो है रेलवे स्टेशन डीडीयू के फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसे रोककर पूछताछ की गई तो अपना नाम आलोक कुमार दुबे निवासी 24 परगना पश्चिम बंगाल बताया। उसके लिए हुए बैग की तलाशी ली गई तो बैग में कुल 25,30,000 रुपया कैश भारतीय मुद्रा बरामद हुई। इतनी धनराशि रखने व ले जाने के संबंध में पूछताछ की गई तो कोई कागजात नहीं दिखा सका। इनकम टैक्स की टीम को इस संबंध में सूचना दे दी गई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये पैसा कैसा है? ये अभी तक की पूछताछ से ये ज्वेलरी हवाला का पैसा है। इस पैसे को ये बनारस से लेकर पश्चिम बंगाल जा रहा था।